अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग क्लास 3। टुडे वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 25 ऑफ काउंटडाउन फ्रॉम यूनिट नंबर 6। सो डियर स्टूडेंट्स, इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन 1, 2, 3 ऑन अवर बुक, एंड टुडे वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। यूज ए एम, लेट स्टार्ट। Use AM or PM or write the times that is given. First is 8 o'clock in the morning. जी बच्चों, मैं morning के time के लिए आपको बता चुकी हूँ कि हम end meridian यानी कि AM show करते हैं morning time के लिए, जबकि शाम के time के लिए हम PM post meridian हम PM जो है वो show करते हैं। तो ये morning time है, so हम morning time के लिए 8 AM हमने write किया। 3 o'clock इन द आफ्टरनून, यानी कि आफ्टरनून है तो दोपहर में जब होंगे तो इट्स मीन कि दूसरा सर्कल शुरू हुआ है टाइम के लिए, तो हमने 3 PM हमने राइट करना है बच्चों। 5 hours बिफोर नून, जी बच्चों आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि बिफोर के लिए हम माइनस करते हैं, नून हमारी होती है 12 बजे, ठीक है। नून से हम पीछे जब 5 hours जाएंगे तो हम माइनस करेंगे, 12 में से जब 5 माइनस करेंगे हम बच्चों, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 7। 12 माइनस 7, तो ये 7 हो जाएंगे मॉर्निंग के। 12 में से हमने 5 माइनस कर दिए क्योंकि हम बिफोर के लिए हम माइनस करेंगे, जबकि आफ्टर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस। 12 में से 5 माइनस करेंगे, लेकिन अगर कहा जाए कि नून से 5 मिनट्स बिफोर आफ्टर होगा, अगर आफ्टर हो तो फिर हम 5 को प्लस करेंगे, तो अब यहाँ पर माइनस करके आंसर विल बी 7 AM। नेक्स्ट इज बच्चों 2 hours बिफोर midnight। बच्चों midnight हमारा टाइम किस टाइम पे होता है, 12 बजे होता है, तो हमने बिफोर जाना है तो इसलिए हम 2 hours को माइनस ही करेंगे। तो 12 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 10, लेकिन क्योंकि midnight है तो midnight से पीछे टाइम जो है वो शाम का चल रहा है, इसलिए ये 10 PM हो जाएगा। नेक्स्ट इज 1 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है, 1 AM हो जाएगा मॉर्निंग टाइम के लिए, हम क्या यूज़ करते हैं, AM। सो बच्चों नेक्स्ट इज 9 o'clock एट नाइट, 9 o'clock है जब शाम का सर्कल है, तो हमने क्या यूज़ किया, 9 PM नाइट टाइम के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 9 PM, यानी कि ये दूसरा सर्कल जो है वो क्लॉक के हैंड ने शुरू किया हुआ है, और हैंड ने। हाफ एन आवर बिफोर नून, हाफ फुल आर कितना मिनट्स का होता है, 60 मिनट का होता है, और हाफ आर उसका कितना हो जाएगा, 30, ठीक है, ये आपका फुल 60, और 60 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 30। अब आप कह रहे हैं कि हाफ एन आवर बिफोर नून, नून हो रही है हमारी 12 बजे, और उसमें से हमने कितने मिनट्स जो हैं पीछे जाएंगे, 30 मिनट्स जब पीछे जाएंगे तो टाइम हमारा हो जाएगा 11:30, ठीक है बच्चों। अगला है जी, हमने 7 इन द इवनिंग, शाम के 7 बज रहे हैं, तो हमारा टाइम होगा शाम के टाइम के लिए हम 7 PM, यानी कि उसके साथ आंसर के साथ PM आएगा। अब आप देखें कि जहाँ पर जितने भी AM शो कर रहे हैं वो मॉर्निंग टाइम को शो कर रहे हैं, जबकि जो सेकंड सर्कल यानी कि शाम के टाइम को शो कर रहे हैं वो PM शो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मैनी मिनट्स विल हैव पास वेन द मिनट हैंड मूव फ्रॉम, जी बच्चों जो स्टार्ट कर होता है और हैंड का और मिनट का 12 से शुरू होता है, 12 से 4 तक जाना है, फिर आपने 12 से 8 नंबर तक जाना है, फिर 12 से 9 तक, और फिर 12 से 12 तक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल क्या है बच्चों, कि आपको दिया गया है 12 to 4, ठीक है, 12 टू 4 है ये आपका। अब आपने क्या करना है, जो बाद में आने वाला डिजिट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। अब आपने 5 से क्यों करना है, कि क्योंकि हर दो डिजिट्स में क्लॉक के हर दो डिजिट्स के दरमियान जो है वो छोटी जो है वो 5 लाइंस जो है मिनट को शो कर रही होती हैं। सो हम क्या करेंगे, 4 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से, 4 5 20, तो 12 से 4 तक मिनट हैंड को मूव करने के लिए हमारे पास होंगे 20 मिनट्स। अगला क्वेश्चन है जी 12 to 8, अब हमने दोबारा से हमारे पास नंबर क्या है, 8 को हमने राइट किया और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, 8 5 40, तो हमारे मिनट्स कितने हो जाएंगे, 40, यानी कि 12 से 8 तक अगर वैसे भी अगर आप देखें तो ये आप वैसे काउंट कर लें अगर तो भी 40 मिनट्स ही बनेंगे, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 6 30 5 7 35 and 5 8 40, यहाँ तक आपके 40 मिनट्स ही बनेंगे।
जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 to 9 हमने राइट किया और हमने मल्टीप्लाई इसको किससे करना है 5 से 9 5 = 45 ठीक है बच्चों आप क्लॉक की हेल्प से भी कर सकते हैं और आप सॉल्यूशन के साथ भी दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं तो 9 5 = 45 तो 12 से 9 तक पहुंचने में जो मिनट हैंड है उसको 45 मिनट्स कवर होंगे। अगला हमारा है जी नेक्स्ट 12 to 12 यानी कि आपने 12 को आप किससे ये अब आपका 12 आया और 12 को आपने यानी कि बाद वाले डिजिट को आपने मल्टीप्लाई करना है 12 को नहीं करना है 12 आप सेकंड नंबर पे भी हमारा 12 ही आ रहा है 12 × 5 12 5 = 60 मिनट तो ये यानी कि 12 से दोबारा 12 तक आने में हमारे पास मिनट हो जाएंगे 60। सो डियर स्टूडेंट्स ये आप बुक के ऊपर ही आप इनको राइट करेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हाउ मैनी आर डज द आर हैंड टेक्स टू मूव फ्रॉम 2 to 6 ठीक है अब आपने 2 से 6 तक मूव करने में कितने आवर्स लगेंगे आवर हैंड को 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आवर्स। अगर आप इसको क्लॉक से भी देखें तो ये 2 से जब ये 3 1 2 3 and 4 कितने आवर्स हो गए 4 आवर्स ठीक है दोनों तरीके से आप कर सकते हैं 6 में से 2 माइनस करके भी और क्लॉक से भी। सो डियर स्टूडेंट्स आवर आंसर विल बी 4 आवर्स बच्चों। बी इज हाउ मैनी मिनट्स डज द मिनट हैंड टेक टू मूव फ्रॉम 2 to 5 ठीक है बच्चों कि मिनट हैंड जो है वो 2 से अब पिछले में हमारे पास आवर हैंड था अब हम मिनट हैंड को की बात कर रहे हैं मिनट हैंड है 2 से 5 तक जाने में बच्चों कितने मिनट्स लेगा। अगर आप सिंपली इसको सॉल्व करना चाहें तो 5 में से 2 माइनस करें तो कितने होते हैं 3 आ गया। अब हर दो डिजिट्स के दरमियान कितने छोटी लाइंस होती हैं 5 तो 3 5 हमारा कितना हो जाएगा 15 आंसर विल बी 15 मिनट्स। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के पेज नंबर 172 पर हमने मूव किया हाउ मैनी मिनट्स आर शोन इन द शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट्स ऑन द क्लॉक कि शेडेड पार्ट्स में हमारे पास कितने मिनट्स आ रहे हैं और अनशेडेड में हमारे पास कितने मिनट्स आ रहे हैं ये आप देखेंगे जी। तो बच्चों अगर आप शेडेड में देखेंगे तो अगर आप इसको काउंट करेंगे जी हाफ पास में कितना होता है 30 मिनट्स होते हैं यानी कि 30 मिनट्स आर शेडेड एंड 30 मिनट्स ही अनशेडेड तो दोनों का ये इक्वल रेशियो चल रहा है दोनों इक्वल पार्ट्स चल रहे हैं तो टोटल 60 30 आर शेडेड एंड 30 आर अनशेडेड जी। तो डियर स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास 60 मिनट्स 30 शेडेड एंड 30 ही अनशेडेड अब 60 में से 30 को माइनस करें तो आंसर 30 अनशेडेड। अगले पिक्चर की तरफ मूव करेंगे 4 से 8 तक हैं 5 5 10 5 20 15 and 5 20 तो 20 आपके शेडेड हैं तो जब 60 में से 20 आपके शेडेड हो जाएंगे तो बेटा अनशेडेड आपने फाइंड करने के लिए 60 टोटल है इसका और शेडेड हैं इसके 20 तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40 यानी कि 40 जो हैं वो अनशेडेड हैं और 20 आपके शेडेड हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का काम और आज का सॉल्यूशन जो है समझ में आया होगा इसी की प्रैक्टिस भी करेंगे बच्चों आप और यही काम आपने बुक के ऊपर करना भी है और बहुत अच्छी तरह नीट जो है आपने काम करना है। स्टे ब्लेस्ड अल्लाह हाफिज़।